मूवी की शुरुआत में सोफिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे चल रही होती है। सोफिया को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा उदास है और मन ही मन में उसे कोई चिंता खाए जा रही है। घर जाते वक्त सोफिया रास्ते में सुपरमार्केट में सामान लेने के लिए रुकती है, लेकिन बिलिंग करते वक्त उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कुछ जरूरी सामान ही लेती है। घर में उसकी बूढ़ी माँ अकेली ही थी, उसके डैड काफी टाइम पहले गुजर चुके होते हैं। सोफिया अपनी माँ को उसके बेडरूम में आराम करने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद अपने प्यारे डॉगी से मिलती है, फिर वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और ये स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ये बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। जब सोफिया रो रही होती है तभी टेबल पर अचानक से नूडल गिरता है और वो ऊपर देखने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि जब वो रोती है उसकी आंख से आंसू की जगह नूडल निकलते हैं। जब वो उस नूडल को खाकर देखती है तो वो नूडल बहुत टेस्टी होते हैं। वो नूडल्स इकट्ठा करके नाश्ते में अपनी माँ को खिलाती है और अपनी माँ को वो नहीं बताती कि कैसे बने हैं और उसकी माँ को वो नूडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर सोफिया नूडल बेचकर पैसे कमाने का सोचती है और अगले दिन एक स्टॉल लगाकर नूडल बेचना शुरू कर देती है। पहले दिन उसकी उम्मीद से ज्यादा उसकी दुकान पर कस्टमर आते हैं और उसकी बहुत ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन उन कस्टमर को पता नहीं होता ये नूडल कहाँ से आ रहे हैं और कस्टमर्स को उसके नूडल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सोफिया के सामने बस एक ही प्रॉब्लम थी, जब नूडल खत्म हो जाते थे उसे रोकर फिर इकट्ठा करने पड़ते थे। सोफिया नूडल से काफी पैसा कमाती है लेकिन आखिर में उसके पास नूडल का सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। सोफिया इसीलिए दोबारा रोने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। वो रोने की काफी कोशिश करती है और अपने आप को चोट भी पहुंचाती है और बहुत सारी मूवी भी देखती है और हार कर वो अपने पिता की अस्थियों को नीचे गिरा देती है। ये सब करने के बाद भी वो ज्यादा दुखी नहीं होती है और उसकी आंख से नूडल नहीं निकलते हैं। तभी उसका डॉगी उसके सामने आ जाता है और वो अपने डॉगी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी वो अपने डॉगी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़कर चली जाती है, लेकिन डॉगी की याद की वजह के कारण वो रोने लगती है जिससे उसके पास नूडल का काफी सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाता है और वो नूडल को लेकर बेचना शुरू कर देती है। इस बार पहले से ज्यादा दुगना कस्टमर आते हैं और उन्हें भी नूडल बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। स्टॉक खत्म होने पर वो घर आ जाती है। तभी उसे एक बिजनेसमैन का कॉल आता है जो उसे एक नए रेस्टोरेंट में नूडल बेचने के लिए पार्टनरशिप का ऑफर देते हैं, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे एक ही बात की चिंता होती है कि ज्यादा नूडल के लिए उसे काफी ज्यादा रोना पड़ेगा। आखिरकार उनका रेस्टोरेंट खुल ही जाता है जो कि सोफिया के नूडल्स चाहने वाले पहले से ही वहीं पर मौजूद होते हैं। अब सोफिया किचन में अकेली मौजूद होती है। वो अपने डॉगी की फोटो देखकर रोने की कोशिश करती है लेकिन उतना दुख काफी नहीं होता है। तभी डॉगी की फोटो के नीचे उसकी माँ की तस्वीर दिखती है। उसने ज्यादा नूडल पाने के लिए अपनी माँ को भी मार डाला था। हर मुफ्त की चीज के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।